बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या मैसेज दे रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को जो जिया? अटल जी का जीवन जिस तरह सा था उस तरह को उन्होंने दिखाया है और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ऑडियंस को आज के युग को मैसेज दे रहे हैं कुछ अच्छा ऐसे दिखा रहे? अटल जी की लाइफ भी पूरा मैसेज ही है, कैसे वो कंट्री के लिए जिए वो वही पूरा दिखाया है। Thank you so much. I found it very good and I'm a huge fan of Atal Bihari Vajpayee. So, and regarding like someone who is interested in political history and like how BJP emerged and should watch that. And the acting was very good of Pankaj Tripathi. जैसे हम देखते हैं अटल जी का जो लाइफ जिस तरीके से तो उसमें खड़े उतर पाए। डेफिनेटली लाइक दैट लाइन मैं अटल हूँ जस्टिफाइज यू विल सीन द मूवी। बोली मैं बहुत, मैं इतनी एक्साइट हुई हूँ ना। मैं अभी देखो मेरी लड़की की शादी, मैं तो चाहूँ मेरी नाती अगर बने या नाता बने तो मैं उनको यही सीख दूंगी कि संघ परिवार से कैसा सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। नहीं नहीं ये ब्यूटीफुल एकदम परफेक्ट, मतलब हम उसमें अटल जी देख रहे थे, रियल, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनको ऐसे ही आगे खड़ा किया है। एक जैसे बोलते ना बावली को खड़ा करते हैं और चलो आप बोल दो, नहीं उसमें अटल जी दिखाई दे रहे। मैं बोली ना हमारे पास इतने स्टार है ही नहीं जो मैं दे, इतने स्टार में देना चाहूँगा, कम पड़ेंगे जो आसमान में तारे हैं वो भी कम पड़ेंगे, इतना स्टार देना चाहते हैं। कैसी लगी पंकज सर की एक्टिंग? उन्होंने काफी कॉमेडी की, इतने सारे रोल निभाए, बायोपिक इस बार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैं पर्सनली कहना चाहूँगी फिल्म काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म के थ्रू हम जानते हैं कि बीजेपी की शुरुआत कैसे हुई है और एज एन एक्टर पंकज त्रिपाठी तो बेस्ट एक्टर हैं ही, और उन्हें सपोर्ट करने के लिए मैं फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि शाहरुख सलमान और जितनी भी सुपरस्टार उनकी फिल्में सब देखते हैं, इवन हाउसफुल रहता है, लेकिन ऐसे एक्टर को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता। तो मैं भी एज एन आर्टिस्ट ही वर्क करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उनको सपोर्ट किया जाए, उनको आगे लाया जाए। और बीजेपी के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला और कोई भी बीजेपी के बारे में थोड़ा भी जानना चाहता है तो ये उसकी स्टार्टिंग है, ये उसकी हिस्ट्री है, आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। काफ़ी अलग तरीके से इस मूवी को भी देखते हैं तो आपको क्या लग रहा है ऑडियंस सही तरीके का मैसेज मिल रहा है इस मूवी से? और काफ़ी लोग जो जैसे आपने कहा कि नहीं पता है या जो भी है तो ये मूवी देख के हम जैसे यंग जनरेशन काफ़ी इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। यंग जनरेशन क्या होता है कि उनको चीज़ें वाया वाया पता चलती है कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, बट बहुत अच्छा है, इस तरह की फिल्म बननी चाहिए। हमें रियल स्टोरी क्या है तो हमें पता चलती है क्योंकि फिल्म मेकर्स ऐसे कोई चीज़ नहीं बनाते हैं, उसकी पूरी डिटेलिंग में जाके और काफ़ी हद तक उसकी तह तक जाके तभी चीज़ों को पर्दे पर उतारते हैं। तो ब्रिलियंट, 4.5। थैंक यू। कैसी लगी मूवी सबसे पहले जिस हिसाब से पंकज सर ने इसमें अपने आप को दर्शाया है, क्या कहना चाहेंगे एज ऑडियंस? काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। हेलो, थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पंकज त्रिपाठी ने कैसे अपने आप को दर्शाया? मैं खुद एक्टर हूं और मैं काफ़ी सारे थिएटर्स मैंने खुद करे हैं और एक्टर को बहुत करीबी से करीब से जानना चाहता हूं। पंकज त्रिपाठी ने इस कैरेक्टर को एक तरह से कहा जाए तो हिंदी में जीवंत कर दिया है। मैंने कभी भी इतने करीब से अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं देखा था, तो पंकज त्रिपाठी के जितने एफर्ट्स हैं, जो टीम है, जो फिल्म के जितने टीम है, रवि यादव जी की टीम जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने जैसा काम किया है मुझे लग रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे सामने हैं और मैं कन्विंस हो पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि पंकज त्रिपाठी जी वो ना कर दे मिमिक्री, अरे भाई साहब ये वो, ऐसा नहीं, बट प्रॉपर उन्होंने कैरेक्टर पकड़ा है और मैं एज ऑडियंस उनसे सेटिस्फाइड। दैट्स द थिंग। जैसे कि अटल सर है उनके जीवन को दोबारा जी रहे पंकज सर, तो आपको क्या लग रहा है उस चीज़ पर वो खरे उतर गए हैं? ऑडियंस को काफ़ी तो मैसेज उन्होंने अपने एक्टिंग से कहीं ना कहीं पहले भी दिया है, अभी भी दिया है, बायोपिक को दोबारा करना, एक लाइफ को वापस जीना, कैसा लग रहा है? मतलब देखिए, मैं, मेरा मानना है कि जो ऑडियंस मुझे सुन रहे हैं अभी, बायोपिक करना बहुत टफ काम है क्योंकि आज हमने सबको देखा है। अभी कोई मोदी जी की बायोपिक करेगा तो सबने मोदी जी को देखा हुआ है कि अरे मोदी जी ऐसे बात करते हैं, भाइयों बहनों इस तरह करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने भी देखा है, तो पंकज त्रिपाठी ने जिस तरह से उनकी चीज़ों को अडॉप्ट किया है ना,
तो कहीं से भी आपको चोरी नहीं दिखेगी, पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने कैरेक्टर को पकड़ा है, उनका बात करने का तरीका, उनका जो तरीका है मुझे बहुत पसंद आया। मैं आज मैं क्लासेस लेके आया हूँ एक्टिंग के पंकज त्रिपाठी जी से। तो पंकज त्रिपाठी जी, अगर आप मुझे देख रहे हो सामने से, तो सर नमस्ते, आपने आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी और भी बढ़ा दी है, और यह फिल्म करके आपको फिल्म में इस तरह से देख के आपके लिए सम्मान और बढ़ चुका है। आउट ऑफ 5 कितना दें? 5 में अगर बात करें तो 4 तक दे दूंगा। यस, एक मार्क्स को क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि डायरेक्शन में थोड़ा सा ना स्टोरी इधर उधर हो गई है, बट मैं ज़्यादा उसकी चीज़ नहीं बोलूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें राइटर का भी हाथ है चीज़ों इधर उधर करने, प्लस मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड या फिर फिल्म ज़्यादा बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू वाला ना हो जाए, क्योंकि यार बीजेपी के नेता की कहानी है, तो लोगों को ऑडियंस में ना घुस जाएगी और बीजेपी के लिए फिल्म बनाई है। दैट्स वाई थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करी गई है, दैट्स वाई थोड़ी सी अनबैलेंस हुई स्टोरी, बट फिल्म समझ में आ जाती है, मज़ा आ जाती है, मेरे को समझ में आ गया था। मोस्ट वेलकम।